फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी होली टू यू। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे। अभी उठी हूँ, वैसे 6 बजे उठी थी, फिर यू नो फिर मन किया फिर सो जाऊँ, क्योंकि कल रात को थोड़ा सोते सोते लेट हो गया। और आज मैं मनाऊँगी होली विथ माई फ्रेंड्स, सो दे वुड बी अराइविंग इन सम टाइम, एंड देखते हैं कैसी मनती है होली, कोरोना वाली होली। और मैं अभी किचन में हूँ और मैंने अभी भिगोया है, अभी लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने भिगो के रखा था छोले, तो आप देख सकते हैं कि छोले जो है ये फूल गए हैं, तो अभी आज छोले बनाने वाली हूँ। एंड आई होप आपको भी छोले पसंद। सो मेरे हाथ के छोले मेरे सारे दोस्तों को काफ़ी पसंद है, लाइक आई मेक गुड राजमा। मुझे सच में बताऊँ तो मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना इतना अच्छे से आता नहीं, लेकिन मुझे वेज खाना सब कुछ आता है, पंजाबी खाना सारे अच्छे अच्छे मुझे पता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, यू नो होली के दिन और दिवाली के दिन, बड़े बड़े यू नो त्यौहार के दिन मैं अपने घर पर रंगोली बनाती हूँ, और लेकिन गुड़गांव में वो ऐसा नहीं करती हूँ, बिकॉज मनाने का कोई मतलब नहीं है, नोबडी विजिट्स यू, और ना ही इतना यू नो स्पेस है, तो नहीं बनाती हूँ। तो बट आई मिस मेकिंग रंगोलीज। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने रंगोली बनाई, और हाँ गुजिया तो आपने बिल्कुल ही बनाया होगा, है ना। मेरे केस में तो मुझे गुजिया बनानी आती नहीं, तो मैं खाने वाली हूँ दुकान वाली गुजिया, बट आई एम गोना एंजॉय इट। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज बना रही हूँ चीज़ टोस्ट, और मैं इसे पैन पे ही बना रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एन ओवन हियर, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली यमी, ट्रस्ट मी। इस होली दिवाली के दिन जो नियम है, मेरे ख्याल से आप भी यही मानते होंगे कि सबसे पहले जो है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, तो होली के दिन भी लाइक सबसे पहले रंग हम भगवान को लगाते हैं, उसके बाद दूसरे की बारी आती है। एंड और भगवान को जो और एक चीज़ जो मैंने चढ़ाया है वो है गुजिया, जो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले भगवान को दिया है, उसके बाद बाकी जनता। तो मैं थोड़ा सा गुजिया यहाँ पे लेती हूँ, गुजिया पसंद है, बहुत मीठी लगती है, पर बाद में खाया जाएगा। सो सबसे पहले भगवान की बारी होती है, उसके बाद इंसानों की बारी हो रही है ना। सो प्रसाद सबसे पहले खा रही हूँ, बाकी लोगों को मैं खिलाऊंगी। एंड यस, तैयार हो रही हूँ, यस आप देख रहे हो एकदम मैचिंग सा। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये होली वाला देसी लुक कैसा लग रहा है। मैंने अभी तक इतने सारे वीडियोस बनाए, लेकिन आपने किसी भी वीडियो में मेरे किसी फैमिली मेंबर को या फिर यू नो किसी फ्रेंड्स को आपने देखा नहीं, चाहे मैंने वीडियो यहाँ पे बनाए या फिर वीडियो बैक होम बनाए या वीडियो कभी बाहर बनाया, बिकॉज क्या करें, एवरीबडी सो कैमरा शाई, नॉट एवरीबडी इज़ एज स्मार्ट एज मी, सो कैमरा पे वो आना नहीं चाहते, एंड वो फेस नहीं करना चाहते। सो इवन इन माई फैमिली ऑल्सो, आपने मेरे मॉम से ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि उनको लेके मैंने एक वीडियो पे उनको फीचर किया था मदर्स डे स्पेशल में, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं, द ब्यूटिफुल लेडी, सो ऑन मदर्स डे, एंड वहाँ पे उनके ग्लिम्सेस है जब वो गुड़गांव आई थी। एंड मेरे दोस्तों की बात हो तो मेरे दोस्त तो वो भी कैमरा शाय है, लेकिन मेरे दोस्त जो है वो बहुत ही मिस्चीवियस हैं और बहुत ही नोटी है, और वो कितने बार मुझे असिस्ट कर चुके हैं, यू नो कभी यू नो कैमरा हैंडल कर चुके हैं, और वीडियो मेकिंग में भी मुझे हेल्प करते हैं कभी कभी, एंड लेकिन वो यू नो कैमरा पे नहीं आते हैं, और बिहाइंड द कैमरा बहुत शरारती है, और दे टीज मी, दे मेक फेसेस, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, बट देन एवरीथिंग इज़ वेलकम, राइट। सो फ्रेंड्स, पूजा वूजा हो चुका, एंड मैंने गुजिया भी ट्राई कर लिया, अभी बाकी सारी चीज़ें जो बनी हुई है, अभी तो मेहमान आएंगे आज, तो जो भी विजिट करेंगे वो मेहमान कहलाएंगे, और मुझे करनी होगी मेहमान नवाजी, तो मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो जाती हूँ, एंड उसके बाद हम खेलेंगे होली घर पे, नहीं घर नहीं गंदा करना मुझे, पर हम खेलेंगे यू नो बहुत ही अच्छे तरह से, शांत तरीके से हम होली खेलेंगे। सो कीप वॉचिंग।
तो आज मेरा लंच में बन रहा है छोले चावल। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी आ ही रहे हैं और मैंने छोले बना लिए हैं। एंड छोलों से याद आया कि छोलों की जो कंपैटिबिलिटी है वो अमेजिंग है। चाहे आप उसको किसी के साथ भी परोसे, चाहे वो रोटी हो, पराठा हो, चावल हो, पूरी हो, कुलचे हो, या फिर भटूरे हो, और हाँ ब्रेड भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपने ट्राई किया हो ब्रेड के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा लुक। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा या क्या लगा, बट ऐसा ही है मेरा लुक। थोड़ा सा कलरफुल रखा है मैंने, बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा लुक। एंड वेल, मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि मुझे सिर्फ गुलाल ही लगाना, गुलाल के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने देखा कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को एकदम शर्टलेस हो के पागलों की तरह पानी वाला होली खेल रहे हैं, तो यू नो बड़ा सा अजीब सा है। पता नहीं, इसके बाद केसेस तो बिल्कुल स्पाइक होने वाले हैं कोरोना में, इसमें इट्स नीडलेस टू से दिस थिंग, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये तो होने ही वाला है। जैसे मैंने देखा कुछ लोग खेल रहे हैं, तो आई होप कि आपकी सोसाइटी में इस तरह से नहीं खेली जा रही। सो लेट्स सी। तो जैसे ही आते हैं हम चलेंगे ऊपर एंड उसके बाद हम होली खेलेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कैसी भूत सा बन गई हूँ मैं। सो रंग खेल रहे हैं, आप भी बताइएगा आप लोग कैसे खेल रहे हैं। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल होली का ब्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज मुझे लगा कि इस तरह भूतिया हालत में मुझे देख के मेरे सब्सक्राइबर सारे भाग जाएंगे, पर अल्टीमेटली मैंने बना ही रही है तो ठीक है, बनाते हैं। और रंग खेलने के लिए वेन्यू मैंने टेरेस चुना है, बिकॉज मुझे अपना घर, अपना रूम गंदा नहीं करना, तो यही सही है। एंड बस चेहरे की जो हालत है, लेकिन सबसे बुरी हालत बालों की है। पता नहीं, बालों की बहुत दुर्गति है और ठीक से इन्हें साफ करना पड़ेगा, पर एनी वे मज़ा आया। लेकिन सच में होली का जो मज़ा है वो तो बचपन का जो है वो तो एकदम अनोखा सा है, वो तो और कभी पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आजकल के बच्चे क्या खेल रहे हैं कुछ भी नहीं पता उनको, और ऊपर से कोरोना भी हो गया। बट एनी वेज, आप लोग बताएगा कि आपने होली कैसे खेली। बहुत सारा तेल लगाया मैंने अपने चेहरे पे और बालों पे, और आप देख सकते हो कि यही मेरा नेचुरल मेकअप है, जो होली का एक्चुअल मेकअप है वो यही है। और अभी चलते हैं खाना खा लेते हैं, भूख लगी है जोरों से, और आपको पता है लंच में क्या बनाया। सो लेट्स गो एंड हैव लंच एंड सी यू आफ्टर लंच। सो फ्रेंड्स, अभी ज़रा बाहर निकले हैं एंड सोचा कि थोड़ा सा गन्ने का रस पिया जाए, थोड़ा सा हवा ली जाए। यू नो सारा दिन रूम के अंदर तो लिटिल सफोकेटिंग, सो बाहर निकले हैं एंड डिनर भी बाहर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, होली के दिन सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है लिटिल हाउस अरेस्टेड, बिकॉज आप बाहर नहीं जा सकते, आपको लगता है कुछ लेना हो, कुछ खाना हो, तो फिर पहले से अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है, यार कोई रंग ना लगा ले, तो एक तरह से एक टेंशन सा रहता है। तो अभी फाइनली बाहर जाके थोड़ी सी खुली हवा में सांस लेंगे और कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गन्ने का रस, यू नो दैट आई एम नॉट अ फ्रूट जूस पर्सन, मैं तो फ्रूट्स ही लेना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर मुझे जूस में पूछा जाए तो मेरा जो फेवरेट है वो है गन्ने का रस और नारियल पानी। ये दोनों मुझे बहुत पसंद है और ये दोनों आपको ये पीने के लिए आपको बाहर से ही ये उपलब्ध है। बल्कि आप लोग को पता है कि हाल ही में एक दुर्घटना हुई है, क्योंकि जो यू नो गुड़गांव द्वारका वाला जो एक्सप्रेस वे है और वहाँ पे एक फ्लाईओवर यू नो बन रहा है, वहाँ पे यू नो फ्लाईओवर गिर गई है एंड कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं। सो आई नो शायद कुछ लोग देखते होंगे, जानते भी होंगे, तो ये एक न्यूज़ है। वेल, आज का टेम्परेचर काफ़ी हाई है, काफ़ी मैंने आज चेक किया था कि आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है, फिर मैंने जब देखा कि टेम्परेचर आज 39 डिग्रीज है, तो तब मुझे पता चला। ओके, वेल, मेरा गन्ने का जूस आ गया है, सो लेट मी हैव इट।
अभी मैं सोने जा रही हूँ थोड़े ही देर में, और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, टायरिंग था, प्लेफुल था, हैप्पी होती, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स हैप्पी होली। लेकिन मुझे बचपन की बहुत सारी यादें आज ताज़ा हो रही थी और मैं वही सारी चीज़ें मिस कर रही थी। आज मैंने थोड़ा बहुत खेला, लेकिन क्या बताऊँ, डर के खेला। एंड मुझे अभी पता चल रहा है कि गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, और पता नहीं आज के बाद फिर हेड काउंट बढ़ जाएगा दिल्ली का भी और गुड़गांव का, कि मैंने कुछ लोगों को है ना थोड़ा सा रेकलेसली खेलते हुए भी देखा अपनी बालकनी से, तो पता नहीं क्या होगा। एंड वेल, एवरीथिंग वॉज फाइन, तो होली पहले जैसी नहीं रही, पिछले साल जैसी भी उतनी अच्छी नहीं थी। पिछले साल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, और मेरा फ़ोटो अगर आप, मैं आपको दिखाऊं तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे, एकदम डर जाएंगे। तो पिछले साल की होली काफ़ी मज़ेदार थी, तभी तब तक तो कोरोना का जो केस था वो आउट नहीं हुआ था, सो इट वॉज़ ओके। अभी देखते हैं आगे चल के नेक्स्ट ईयर क्या सीन रहेगा, होपफुली बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब सेफ रहें एंड ख्याल रखिए, बिकॉज़ अभी काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी, पता नहीं क्या होने वाला है। सो प्लीज़ स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक गुड केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन स्पेशली। सो जाते जाते मैं आप लोग को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हमें हर हाल में, हर हालत में खुश रहना है, जस्ट नॉट ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पी होली। We need to be happy every moment, every day, without fail. And अपने life को रंगों से भरिए, अपने life को रंगीन कीजिए, और रंगों से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस बचना चाहिए रंग बदलने वाले लोगों से। So on this take, I wish you goodbye and good night and take care. I shall meet you again.